नमस्ते नमस्ते खरसांग। नमस्ते खरसांग। नमस्कार। नमस्ते खरसाङ हेरेर बस्नुभएका हाम्रा तमाम प्रिय दर्शकहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दछु एवं धन्यवाद दिँदछु। र केही दिन अघि मात्र हामीले खरसाङको यस नमस्ते खरसाङको यस स्टुडियोमा दलित महादलित परिसङ्घका केही व्यक्ति विशेषलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ र त्यस समय नर्थ बेङ्गाल प्रभारी सञ्जय राउत अनि जिटिए क्षेत्रका प्रभारी हाम्रा शङ्कर रावजीसँग र उहाँका श्रीमती जो महिला प्रकोष्ठका दार्जिलिङ क्षेत्रका प्रभारी हुनुहुन्छ उहाँसँग यस विषयमा बातचित गरेका थियौँ। वास्तवमा यो महादलित परिसङ्घ के हो र यसको आवश्यकता किन पर्न गयो यस विषय लिएर हामीले त्यस दिन चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। र अहिले एउटा सामान्यतया एउटा जुन कुरोको उठान भएको छ उहाँहरूमा चाहिँ एउटा विवाद त भन्न चाहदिनँ, एउटा कुनै प्रश्न लिएर एउटा अलग्ञ सङ्घले पनि यस महादलित परिसङ्घमाथि र यहाँका जति पनि प्रभारीहरू हुन्छ उहाँहरूमाथि एउटा प्रश्न उठाएको छ र यो प्रश्न वास्तवमा के रहेको छ र यो प्रश्नले कसरी उत्तर पाउनेछ र यस विषय चर्चा गर्नको निम्ति हामीसँग महादलित परिसङ्घ जो दिल्ली बेस रहेको छ र यसको कोर कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ सुभाष हेलाजी र उहाँ सुभाष हेला केवल कोर कमिटी मेम्बर मात्र नभएर दार्जिलिङ जिल्ला महादलित परिसङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा पाएका छौँ र यस विषयप्रति हामी उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले भने म हाम्रा दलित महादलित परिसङ्घका कोर कमिटी मेम्बर साथमा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष सुभाष हेलालाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्छु। नमस्कार सर, स्वागत। नमस्ते, जय भीम साथियो। मैं दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष सुभाष हेला और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य महादलित परिसंघ आज मैं आपके बीच में आया हूं इनके समाचार के माध्यम से। और आज जो खरसाङ में कुछ विषय उठे हैं उस विषय पे चर्चा करने के लिए। और पहले मैं बता दूं कि महादलित परिसंघ जो आज है ये एक राष्ट्रीय संगठन है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे संगठन अपने आप को सम्मिलित करके महादलित परिसंघ के साथ में जुड़ रही है। और आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बब्बन रावत सर जी और प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ हेला जी उनके मार्गदर्शन से आज हम लोग महादलित परिसंघ दार्जिलिंग जिला में भी हमारा गठन किया गया है। आज खरसाङ में हमारे महादलित परिसंघ की तरफ से एक नए तीन तीन लीडर है जो कि हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले महिला अध्यक्षता सोनी राव जी को मैं देखता हूं और साथ ही साथ हमारे खरसाङ के अध्यक्ष भोला राव जी को और हमारे दार्जिलिंग जिला जीटीए प्रभारी शंकर राव जी जो हमारे दार्जिलिंग जिला के रहने वाले हैं और साथ ही साथ मैं उत्तर बंगाल के प्रभारी संजय राव जी को भी बहुत अभिनंदन और साथ ही साथ ये बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे उत्तर बंगाल के प्रभारी हैं संजय राउत जी और उन सब के साथ में आज महादलित परिसंघ के कुछ चर्चाएं जो खरसाङ में उठी है इसको मैं विशेष तौर से इस पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। और जो भी चर्चा होगी मैं आपको खुले दिल से मैं बोल दूँ कि महादलित परिसंघ जिस तरह राष्ट्र संगठन है उसी तरह अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रही है इस पे सबसे बड़ा विषय है शिक्षा पे जोर देना जी। शिक्षा को हथियार बनाओ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ, ये विषय है हमारा। और हमारे संगठन के माध्यम से आज हमने शिक्षा पे जोर दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि दलित में महादलित क्यों कहा जा रहा है हमें, इसका कुछ कारण है। महादलित परिसंघ का गठन 2015 में बिहार के पटना जिला से हुआ। इनका शुभारम्भ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन रावत जी ने किया और आज ये पूरा भारत के 24 राज्यों में चल रहा है। और इसका ये मूल उद्देश्य है कि शिक्षा पे काम करना और हमारे जितने भी समाज के सफाई कामगार हैं उनके प्रति उनको आगे बढ़ाना, ये हमारे उद्देश्य है। और हम लोग अपने दार्जिलिंग जिला में भी उसी उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग जिला बहुत ही पूरे भारत में अपने नाम को बढ़ाया है और अपने कार्य को दिखाया है और इस माध्यम से आज हम लोग
अपने दार्जिलिंग जिला में स्कूल एकेडमी भी चला रहे हैं और कराटे एकेडमी भी चला रहे हैं और सिलीगुड़ी के बियरा कॉलोनी में। अच्छा। और हम लोग इस माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं कि अपने बच्चे को, भले हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उनको ज्ञान देंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर महादलित परिसंघ में जुड़ना चाहते हैं और या किसी भी माध्यम से आप महादलित परिसंघ में जुड़ना चाहते हैं तो आपको महादलित परिसंघ वेलकम करती है और स्वागत करती है। लेकिन इसका कुछ मूल उद्देश्य भी है और कुछ शेड्यूल भी है और कुछ सिस्टम भी है, उस सिस्टम को आपको मानना पड़ेगा और उस सिस्टम के माध्यम से ही आप महादलित परिसंघ में जुड़ सकते हैं। जैसे कि आज खरसियांग में जो शब्द उठे हैं कि महादलित परिसंघ में एक ही परिवार का क्यों, तो मैं बता दूँ, साफ ये बता दूँ, महादलित परिसंघ कोई पार्टी नहीं है। महादलित परिसंघ एक राष्ट्र संगठन है और ये अपने समाज के प्रति काम करने वाला संगठन है। इस पे ऐसा नहीं है कि एक समाज में अगर एक व्यक्ति जुड़ते हैं तो उनके परिवार भी अगर जुड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर समाज के प्रति कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के फैमिली से हो या पूरे समाज के हर व्यक्ति हो, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम मतलब करते हैं। सुभाष जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जिस व्यक्ति में काबिलियत हो, हाँ, और समाज के प्रति उसका कुछ लगाव हो कि, हाँ, उसको कुछ कर सके, उस व्यक्ति को आप स्थान दे रहे हैं, ना कि परिवारवाद को। नहीं, परिवारवाद को हम लोग नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति काबिलियत जिस पे है समाज को आगे लाने का, समाज के लिए सोचने का उनका सोर्स है, उनको हम लोग आगे ला रहे हैं। वो भले चाहे जिस परिवार से जुड़े हो, चाहे एक परिवार का दो या एक, जितना भी, अगर उसके पास वो उद्देश्य है, काबिलियत है, तो हम लोग उनको वो करते हैं। जी, जिस तरह से ये महादलित परिसंघ का गठन हुआ है, जैसे आपने उद्देश्य उसका एम ऑब्जेक्ट बता दिया है, लेकिन एक स्लोगन मुझे बहुत बढ़िया लगा, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। ये थॉट कोर कमिटी में कैसे आया, क्यों झाड़ू छोड़ना है और क्यों कलम पकड़ना है? इसका कारण ये है कि आप जानते होंगे कि भारत में दलित जो समाज बोला जाता है, दलित समाज में जो एससी में आते हैं, जी, बहुत सारी जातियाँ आती है और उसका बेनिफिट जो होता है, जो सरकार से या सुविधा या कुछ भी मिलना चाहिए, वो इस समाज को नहीं मिलता है। अच्छा। सफाई कामगारों को नहीं मिलता है। इसका कारण है कि इनमें जागरूक का कमी है, तो कहीं नहीं लग रहा है, जागरूकता के शिक्षा की कमी है, इसीलिए शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग जो महादलित परिसंघ अपने आप को बोल रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग आज दलितों में भी महादलित हो गए हैं, क्योंकि आज हमारे पास वो सुविधा नहीं है जो सुविधा होना चाहिए था। जी। हाँ, तो इसी को देखते हुए आज हम लोग महादलित अपने आप को बोल रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने समाज को जगाएं, अपने समाज को उस जगह पे लेके आए जहाँ के एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने समाज के लिए कर सकता है, वो हमारे समाज के लोग भी वो करे। जी। हाँ, तो ये एम्बिशन, मतलब जो उद्देश्य के तहत, हाँ, आप लोग आगे बढ़े, 2015 में जब आपने बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राव जी शुरुआत, हाँ, किया हुआ, ये एक आंदोलन ही बोल सकते हैं, तो अभी 2021 चल रहा है, तो ये 6 वर्ष के अंतराल में, इस बीच ऐसा कोई अचीवमेंट हुआ है महादलित परिसंघ के कि हाँ हम लोग ने ऐसे किया है बोल के? इसमें अचीवमेंट हुआ है, जैसे यूपी में हम लोग देखते थे कि हम लोग जितने भी सफाई कर्मचारी है, जहाँ जहाँ काम करते थे या सफाई का काम करते, या कुछ भी विषय पे, या प्राइवेट या सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या जो भी सेक्टर में काम करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, डाइनिंग गेस्ट जो बोला जाता है आज के समय में, मतलब काम करते हुए अगर किसी कारण उनका डेथ हो जाता है तो उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता था उस तरह, और ना ही कोई उनको वो फैसिलिटी मिलता था जो अदर्स नौकरियों में मिलता है। जी जी जी। तो ये हमारे महादलित परिसंघ ने ये लड़ाई करके ये 2019 में एक बड़ा अचीवमेंट किया है, क्योंकि जो भी अगर सफाई कामगार अगर मरते हैं सफाई काम करते हुए, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह आप बोलते हैं कि जो हमारे देश का जो सिपाही होते हैं, जो बॉर्डर के रक्षा करते हैं,
वो रक्षा करते हैं तो वो हमारे देश के राष्ट्र के अंदर में उनका बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, उसको शहीद का दर्जा, शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो आज सफाई कर्मचारी को भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर पूरे भारत को अगर देखा जाए तो पूरा चाहे जो भी देश हो उसमें देखा जाए तो सफाई कर्मचारी का उतना ही भी उतना ही अधिकार है जितना एक बॉर्डर में लड़ने वाले सैनिक का है। क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर सफाई का काम ना करे ना तो पूरे समाज में गंदगी और वो बदबू फैल जाए और समाज जीने के हाल पे ना रह सके, तो उनको भी एक सम्मान के रूप में देना चाहिए, देखना चाहिए था। ये आज हम लोग ने ये कोशिश किया है 2019 में, और सफाई कामगारों को जो अभी अगर डेथ हो जाते हैं तो उनको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए था। ये इस पर हम लोग लड़ाई करके अपने आप को वो किए हैं, और आज पूरे पूरे भारत में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में हमारा ये जो सिस्टम है इसको हम लोग ने लाया है कि जो भी अगर सफाई कर्मचारी अगर डेथ हो जाते हैं तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, उनके फैमिली को एक नौकरी मिलना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट का फैसिलिटी है बच्चे को पढ़ाने के लिए या उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए हमारे संगठन ने किया है। तो दर्शक महानुभाव, नमस्ते खरसाङ का आज को स्टूडियो में हमीसंग जुड़ने व्यक्ति रहेको छ महादलित परिसंघ कोर कमिटी, राष्ट्रीय कोर कमिटी का सदस्य, साथ में वहाँ दार्जिलिङ जिला प्रभारी भी हुनुहुन्छ सुभाष खेलाजी। र यहाँसँग कुराकानीमा मैले एउटा जुन चाहिँ उहाँले शब्द उच्चारण गर्नुभयो कि हाम्रो सफाई कर्मचारीहरू यदि उहाँ काम गरिरहेको समयमा उहाँको देहान्त भएको खण्डमा यहाँलाई पनि शहीदको दर्जा दिनुपर्छ, किनभने यो जुन चाहिँ एउटा जातिबाट उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ। यदि उहाँले भनिहाल्नुभयो यदि सफाई कर्मीहरू हाम्रा यदि देशमा नभएको भने समाजमा हामी सायद सभ्य भनौँदा व्यक्तिहरूले जिउन पनि धेरै कठिन पर्छ। जसरी एउटा हाम्रो सिमाना क्षेत्रतिर बोर्डर एरियातिर हाम्रा नौजवान सैनिकहरूले आफ्नो देशको रक्षा गरिरहेको छ भने कहीँ न कहीँ आन्तरिक रूपमा हामीले हाम्रो सफाई कर्मचारीहरूले पनि यसको भूमिका यो गरिरहेको छ। र यहाँहरूको परिसंघले अहिले वर्तमान समय 2019 कुरा गर्नुभयो यहाँले कि यदि काम अवधि यदि उहाँको कुनै पनि कर्मचारीको ध्यान त हुन्छ भने 19 लाखको यो जुन चाहिँ भरण पोषण भन्न सक्छौँ, र साथमा त्यस व्यक्तिको परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई एउटा सरकारी नोकरीको प्रावधान गर्ने यहाँहरूको माग रहेको छ। र अब हामी उहाँसँग अन्य कुराहरू गर्नेछौँ। सुभाषजी, जिस तरह से ये परिसंघ का गठन हुआ है तो जिस तरह से कामकाज शुरू चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन राउत के नेतृत्व में, तो इस संगठन में सभी वर्ग का आदमी आता है, दलित से भी महादलित होते हैं, तो अभी इस संगठन का प्रारूप कैसा बना हुआ है और भविष्य में इसको क्या और ब्रॉडली आप विस्तार कर पाएंगे या क्या योजना है आपका? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बहुत बड़ा योजना भी है और हम उस पर एक दार्जिलिंग के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि महादलित परिसंघ का जो मेन उद्देश्य हमारा एडुकेशन को लेके है या सफाई कर्मचारी को आगे बढ़ाने का है या उनके जीवन को बढ़िया स्वावलम बनाने का जो उपाय है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं कि आज हम लोग जिस विषय पे काम कर रहे हैं और अपने समाज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज हमारे समाज को किसी ने कोई सुन नहीं रहा है, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखते हुए आज हम लोग अपने महादलित परिसंघ की तरफ से सभी राज्यों में जितने भी स्टेट है सभी राज्यों में हम लोग ने ये अपने महादलित परिसंघ के लेटर पेड में एक चिट्ठी भी किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको एक सिस्टम में लाया जाए और हर स्टेट में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। जी, ये हमारा मूल उद्देश्य भी है। और अगर सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होता है हर स्टेट में, और या बंगाल हो या असम हो या कोई भी देश में स्टेट में होता है, तो इससे सफाई कर्मचारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। जी, सफाई कर्मचारी आप जानते हैं कि शहर के मेन जिला में हो या कोई भी कॉरपोरेशन में हो, मेन शहर के बीच में रहते हैं सफाई कर्मचारी। जी, लेकिन आप देख लीजिए आज से 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन सफाई कर्मचारी को अभी तक जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे उनको पट्टा नहीं दिया गया। आप वहीं पे आप दूसरे तरफ देखिए कि अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे में अगर घर बना के रह रहा है तो उनको पट्टा दिया जा रहा है, तो सफाई कर्मचारी आज जो शहर के बीच में रह रहे हैं उनको क्यों पट्टा नहीं दिया जा रहा है? 50 साल 60 साल हो गए, उनके पीढ़ी पे पीढ़ी चला जा रहा है जी। लेकिन उनको वो
सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, जो हक अभी तक नहीं मिला, अभी नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपको ये मानते हैं सुभाष जी कि कहीं ना कहीं ये जो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से उतना वो डिमांड मांग नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग शिक्षा में उतना ध्यान नहीं दे रहे थे अभी तक। तो शायद आपका लक्ष्य भी है कि झाड़ू छोड़ो, अब कलम पकड़ो, कलम के माध्यम से ही आपका जो भी ये मांग रहेगा पूरा हो सकता है। हाँ, ये महादलित परिसंघ आज जो है, ये महादलित परिसंघ, महादलित संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ है। अच्छा, इसमें मैंने बोला है कि छोटे छोटे संगठन सब मिल के महादलित परिसंघ को अपने महासंघ बनाया गया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी छोटे छोटे संगठन है अपने आप को इसमें सम्मिलित कर ली, क्योंकि इसका कारण यह है कि आप देखे होंगे कि आज से पहले भी बहुत सारे संगठन इस तरह है, छोटे छोटे अपने अपने जिला में है, अपने स्टेट में काम कर रही है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उनका जो कार्य है, वो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं मिल रही है उनको, ऊर्जा नहीं, जो ऊर्जा मिलना चाहिए था वो ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो वो ऊर्जा दे महादलित परिसंघ आज दे रही है। अच्छा, ये महादलित परिसंघ में अभी जो आपने बोला कि 24 जिले में आपका चल रहा है, तो 24 जिले के अंदर अब मैं वहाँ जो माफ कीजिए स्टेट जो राज्य में चल रहा है, तो जिस तरह से इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, जिस काम से आप जिस लक्ष्य के और उद्देश्य के तहत बढ़ रहे, तो आशा करते हैं कि आपका जो एक एम है, उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य में प्राप्ति में आपका वो सफल हो आप। तो मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग का देखने का नजरिया में भी हम लोग का परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी हरिजन बोलते हैं या बोलते महादलित, अभी जो महादलित भी बोल दिया आपने, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग समाज का देखने का नजरिया थोड़ा दूसरा हो जाता है, तो उस क्षेत्र में उस नज़रिया के चेंज करने में, परिवर्तन करने में या बदलाव लाने में आपका कोई फ्यूचर प्रोग्राम है ऐसा कुछ? हाँ, फ्यूचर प्रोग्राम हमारा है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे समाज से कोई एक लीडर हो जी, और वो लीडर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें जाके बैठे, क्योंकि आप जानते होंगे कि सभी जातियों से या बोले या जितने भी बड़े बड़े जातियाँ हैं आज राज्यसभा और विधानसभा में बैठती हैं जी, लेकिन आज हमारे दलित समाज से एक भी व्यक्ति महादलित परिसंघ से, सफाई कर्मचारी से, सफाई कामगारों में से एक भी व्यक्ति राज्यसभा या विधानसभा में नहीं पहुंचा है जी। तो हमारे समाज के हित के लिए काम करेगा कौन जी। अगर हमको काम करना है, अगर हमें ही अपने आप में नेता तैयार करना है, तो हम लोग कर रहे हैं उस विषय में, और हमारा लक्ष्य है कि 2024 में हमारे राज्यसभा हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस पर हमारे महादलित परिसंघ का एक सदस्य भी इस संगठन राज्यसभा में या लोकसभा में उनको वहाँ पर जगह मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा जगह है, हम लोग का एक मंदिर बोलते हैं, मंदिर से, वहाँ से हम लोग को मतलब आप लोग महादलित परिसंघ का न्याय मिल सके। तो ये तो अभी का बात हुआ, जब भारत का स्वतंत्र मिल गया था, स्वाधीन हो रहा था, तब फिर भी बाद में जो संविधान बना, आप ही क्या एक आदमी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, कहीं ना कहीं ये भी एक आप लोग को उपलब्धि है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग पिछड़ गए। तो दर्शक मानव, यसरी हामीसँग आज सुभाष शेलाजीसँग बात गरिरहेको छौँ, हामी अहिले राष्ट्रिय स्तरसम्म अनि राष्ट्रिय स्तरको जुन चाहिँ महापरिसंघ छ त्यस विषय हामी परिचर्चा गऱ्यौँ, तर आजको विषय यो असर अवश्य होइन, किनभने हामीले यहाँलाई यस स्टुडियोमा निम्ताएको कारण केही दिन अघि मात्र हामीले सञ्चार माध्यममा देखेका छौँ कि एउटा विवाद सृष्टि भएको छ कि अन्य समुदाय भनौँ, एउटा उहाँहरूको एउटा वर्ग जो चाहिँ यस समुदायदेखि अहिले अलिकति पर होला, र यस विषयमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। सुभाषेलाजी, अगर खरसाङका बात करे तो आपकी जो राष्ट्रिय स्तर से और फिर संजय राउत जी को आपने उत्तर बंगाल का प्रभारी बनाया हुआ है और जीटी क्षेत्र का प्रभारी शंकर राउत जी को दिया हुआ है, तो उसमें एक विवाद का कारण बना हुआ है या विवाद का शब्द उच्चारण हो रहा है आप ही क्षेत्र से पार्ट से, तो उसमें उन लोगों का कहना क्या है कि आप लोगों ने बिना उन लोगों के संपर्क किए हुए, बिना उनसे चर्चा किया हुए और एक ही परिवार का दो आदमी को आप लोगों ने उसमें जगह दिया है, तो उन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों के साथ भी बात किया होता है तो हम लोग शायद मान लेते, अब इस समस्या को हल कैसे हो सकता है?
देखिए, आज जो खरसियांग में जो बात उठा है, ये मैंने एक सोशल मीडिया के ही, आपके मीडिया के जरिए ही मैंने देखा उनको, कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और आज जो शब्द उन्होंने हमारे ऊपर में लगाया है, महादलित परिसंघ के ऊपर में, ये बहुत ही, अगर बोलूँ तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ही समाज से हैं। और मैं किसी भी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि महादलित परिसंघ ऐसा संगठन है कि इस पे हर तरह के व्यक्ति जुड़ सकते हैं और सभी को वेलकम है, और वो खरसियांग के हो या कहीं के भी हो, सभी अपने आप को इसमें जोड़ सकते हैं। और जैसे कि ये बात उठा है कि उनको नहीं जनाया गया, तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ, आज से 1.5 साल पहले मैंने खुद उनको अपने एक सचिव के माध्यम से, मितेश जो मेरे सिलीगुड़ी के सचिव है दार्जिलिंग जिला के, उनके माध्यम से मैंने फ़ोन किया था उस व्यक्ति को जिन्होंने ये आपके प्रचार में या मीडिया में जो शब्द रखे हैं, उनका नाम है शिवा राव जी, मैं उनका नाम बोलूँगा, क्योंकि आज उन्होंने ही ये प्रश्न खड़ा किए हैं। तो मैं उनको 1.5 साल पहले ही मैंने उनको महादलित परिसंघ में जुड़ने के लिए उनको बताया था। मतलब 1.5 साल पहले आप लोगों ने उनसे संपर्क किया था। तो और उन लोगों का क्या था, प्रतिक्रिया क्या था? तो प्रतिक्रिया ये था कि वो शायद दूसरे संगठन से जुड़े हुए थे, और इस तरह के मतलब व्यक्ति की मैं अगर बोलूँ तो वो सिर्फ संगठन को जोड़ना, सिर्फ संगठन से जुड़ना चाहते, काम नहीं करना चाहते, संगठन से बेनिफिट लेना चाहते हैं। अच्छा। समाज के प्रति उनका कुछ कार्य नहीं है। अगर समाज के प्रति कुछ कार्य है तो दिखाए कार्य, महादलित परिसंघ भी अपना कार्य दिखाएगा। और क्योंकि मैं आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए थे खरसियांग में अगले महीना 5 तारीख को, तो उस समय भी मैंने उनसे जोगाजोग किया और उनसे फ़ोन के माध्यम से बात किया, उनको बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई माध्यम नहीं दिया कि महादलित परिसंघ से जुड़ना है या अच्छा, नहीं। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने ये खरसियांग में एक छोटी सी मीटिंग की 6 तारीख को, और करने के बाद में हमने सिर्फ उत्तर बंगाल के प्रभारी और दार्जिलिंग जिला जो GTA प्रभारी है शंकर राव जी को बनाया गया। उसके बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आप हम लोग आए, हम लोग को नहीं बताए। तो मैंने बोला कि आपके वो जो शिवाजी हैं उनको फ़ोन भी किया गया था और आपको जानकारी दी भी दिया गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप लोग के ही टीम से अगर बोला जाए फ़ोन करके कि हम लोग कोई कमेटी नहीं गठन करना चाहते या महादलित परिसंघ के एजेंडे पे हम लोग नहीं चलना चाहते, तो फिर मैं ये सोचूंगा कि आप महादलित परिसंघ को फिर मीडिया के में ये बात उठाना तो ठीक नहीं है ना जी। अभी तो इसका जन्म ही हुआ है, तो उसके कार्य करने में आपका भी आगे। और रह गया कि आज खरसियांग में सिर्फ मैंने नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने हाथों से संजय राव जी को और शंकर राव जी को, संजय राव जी को उत्तर बंगाल के प्रभारी बनाए और शंकर राव जी को दार्जिलिंग जिला के प्रभारी GTA प्रभारी बनाए। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। और उसके बाद में मैंने सिर्फ दार्जिलिंग जिला के तरफ से, मैं अपने दार्जिलिंग जिला का अध्यक्ष होने के नाते मैंने सिर्फ खरसियांग में अध्यक्ष और महिला सेल की अध्यक्ष और सचिव बनाया। और ये अभी पूरा टीम का गठन भी नहीं हुआ है। अगर किसी को कोई शब्द है, अगर कोई प्रश्न है तो मुझसे आके डायरेक्ट मतलब बात करें। आपसे आपसे जितना मैं जान पाया, जितना समझ पाया, इसका पूर्णांग कमेटी अभी गठन नहीं हुआ गठन है। नहीं आपने हुआ एक प्रभारी का दिया, लेकिन आप में मैं जानना चाहता हूँ ये प्रभारी का चयन किस आधार पर आप लोगों ने किया? ये प्रभारी एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पे खरसियांग में आए थे 6 तारीख को, तभी हमारा यहाँ पे खरसियांग में कोई टीम नहीं था। और शंकर जी हमारे सिलीगुड़ी में आए थे, सिलीगुड़ी में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष से मिले और उन्होंने अपने कार्य शक्ति को दिखाया कि हम बहुत सारे एक संगठन में जुड़े हुए थे और हमने वहाँ पे बहुत सारा काम किया है, सर अगर मौका मिलता है हमें तो हम भी समाज के प्रति, महादलित परिसंघ के प्रति कुछ काम कर सके जी। तो इस विषय को बबन जी ने सुना और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी सुने, रघुनाथ हेला जी, सुनने के बाद में फिर उनको आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपके हम वहाँ पे आएंगे और आपके वहाँ पे आके एक छोटा सा 5 मिनट के लिए मीटिंग करेंगे, उसके बाद में हम आपका वहाँ पे परिचय देखेंगे क्या है आपका परिचय, फिर उसके बाद में हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे। तो फिर वो आए 6 तारीख को, आने के बाद में यहाँ पे एक मीटिंग भी किया गया जो उनके हॉल में जो सफाई कर्मचारी का जो
जो भी कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे मीटिंग किया गया। मीटिंग के माध्यम से फिर मालूम हुआ कि हाँ शंकर जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उनका खरसान में एक पकड़ है, तो इसीलिए फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको प्रभारी बनाया जी। हाँ। मतलब इस तरह से चयन हुआ। तो दर्शक महानुभव यसरी आज हमी राष्ट्रिय महादलित परिसंघका कोर कमिटी सदस्य अनि दार्जिलिङ जिल्ला प्रभारी सुभाष हेलाजीसँग बात गरिरहेका थियौँ र जुन चाहिँ प्रश्नको उत्तर हामीले जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो एउटा विवादको जुन चाहिँ सृष्टि भएको छ त्यसलाई विवादलाई हामी साम्य बनाउनको लागि मात्र हाम्रो उद्देश्य हामीले यो परिसंघलाई हामीले दुई फ्याप्लाटा बनाउनु खोजेको होइन। हामीले के चाहन्छौँ भने यदि एउटा नानीको जन्म हुन्छ भने त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने सबैको दायित्व हुन्छ, किनभने अब यस परिसंघसँग जोडेर जति पनि मानिसहरू अगाडि आउनुहुन्छ अगाडि आउनुहोस्, किनभने यसले एउटा तपाईँहरूको समाजलाई तपाईँहरूको समाजको वर्गलाई नि यसले भविष्यमा गएर धेरै फाइदा गर्छ। र अब यसलाई यदि विवादलाई समय बनाउनु हो भने प्रत्यक्ष आँगन खुल्ला छ। र केही दिन अघि मात्र जिटिए क्षेत्रका प्रभारी शङ्कर रावजीले हाम्रो स्टुडियो मार्फत भनेको थियो कि यदि मभन्दा लायक यदि तपाईँमा जुन चाहिँ शिक्षित छ या तपाईँमा कुनै यस समाजप्रति केही दायित्व गर्ने तपाईँको उद्देश्य राख्नुभएको छ भने तपाईँ अगाडि आउनुहोस्, उहाँले आफ्नो यो जुन चौकी रहेको छ त्यो पनि छोडिदिन्छु भन्नुभएको छ। र योभन्दा ठुलो सायद कुरो यहाँ कुनै अन्य छैन। यसले गर्दाखेरि म नमस्ते खरसाङ मार्फत पनि तपाईँलाई यो विन्ती गर्न चाहन्छु, यो कुनै झगडाको समय होइन, वाद विवादको समय होइन, आउनुहोस् तपाईँहरू मिल्नुहोस्। कुनै पनि यदि तपाईँहरू माझ एकअर्कामा यस्तो विवाद परिहालेको खण्डमा तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्न उठेको खण्डमा तपाईँहरू सोझै सम्पर्क गर्नुहोस्, नमस्ते खरसाङ मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकअर्कामा तपाईँहरूको कुरोलाई सुल्झाउने पनि प्रयास गर्नेछौँ। वास्तवमा हामी त्यो काम त हाम्रो दायित्व होइन, तर एउटा जब समाजको भलो हुन्छ भने हामी त्यो कामदेखि कदापि पछि हट्दैनौँ, यो हाम्रो तपाईँहरूलाई वचन छ। र यो कुरोमा चाहिँ म तपाईँलाई पनि आवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एक कदम अगाडि आउनुहोस्, यहाँहरू 10 कदम तपाईँहरूको अघि आउनेछ। सुभाषेलाजी सायद जो नेपाली में कह सका शायद आप थोड़ा बहुत तो समझ गया हूँ। तो मैं मेरा कहने का मतलब है जिस विवाद के ऊपर अभी हम लोग थोड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सुलझाने के प्रयास हम लोग की तरफ से हो रहा है, क्योंकि आप दोनों या जो भी हो जितना भी संगठन हो जो महादलित परिसंघ से जुड़ना चाहते हैं, और हाँ ये विकास की तरफ आप लोग का दलित जितना भी परिवार है उनको आप विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उनका भी यही उद्देश्य होगा कि वो भी विकास की तरफ लागे, आप भी विकास तरफ आगे बढ़े। तो हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों आप सभी मिले और कार्य करें, ताकि बाद में ये दिखाई ना दे कि हाँ इन लोगों के बीच कोई भ्रम है, इन लोगों का कोई विवाद है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का नुकसान होगा। तो जो आपको देख रहे हैं टीवी मार्फत चैनल मार्फत और सोशल मीडिया के थ्रू आपको जरूर देखेगा, जितने भी अभी प्रश्न उठ रहे उनके बारे में जिन जो प्रश्न उठा रहे उनको थोड़ा आप बताइए, आप आह्वान कीजिए कि हम लोग साथ रहें। मैं एक ही समाचार के माध्यम से महादलित परिसंघ दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष होने के नाते और राष्ट्र कोर कमेटी के सदस्य होने के नाते मैं खरसियांग के जितने भी महादलित परिसंघ में आते हैं उनको मैं महादलित परिसंघ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप खुले मन से आएं और समाज के प्रति काम करें, यहां पे मतभेद का कोई जगह नहीं है, और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसको देख के अगर आप सोचेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये मतभेद जो आज पैदा किए हैं इसको ख़त्म करके आप महादलित परिसंघ के साथ में जुड़े और महादलित परिसंघ के साथ में रह के काम करें, क्योंकि समाज को आगे लाना है तो हमको हर मतभेद को शेष करना पड़ेगा। और मैं आपको महादलित परिसंघ की तरफ से ये मैं कहना चाहूँगा कि आज खरसियांग का जो भी टीम बना है ये पूरा विस्तार नहीं हुआ है, और आप भी इस टीम में अपना सहयोग करें और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें जी। सुभाष जी मुझे एक मन में फिर वो बात उठ गया, तो जब आप लोगों ये पूर्णांग कमेटी अभी गठन ही नहीं हुआ, जैसे आप लोगों ने प्रभारी नियुक्त किया, जैसे संजय राव जी को उत्तर बंगाल का प्रभारी बनाया हुआ है और शंकर राव जी को दार्जिलिंग जीटीए क्षेत्र का बनाया है, तो मुझे जैसे आपने कुछ क्षण पहले आपने बताया था कि इन लोगों के नियुक्त अपॉइंटमेंट करने के आगे तो आप लोगों ने शिवराव जी और उनके साथ भी बात किया था, तब किस वजह से उन लोगों ने ये नकारा कि मतलब नहीं हम लोग आपके साथ नहीं है, या मतलब अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्या क्या था उन लोगों का जवाब क्या था तब?
मैंने 2006 अगले महीने 6 तारीख को जब यहाँ पे हम लोग मीटिंग किए थे जी, तभी हम लोग ने सिर्फ शंकर राव जी को यहाँ का प्रभारी बनाए थे। तो उनके बाद में मेरे पास में फ़ोन आया था शिवराव जी को। शिवराज जी हमको बोल रहे थे सर आप लोग 10 मिनट के लिए हो सके तो आइए। तो मैंने बोला कि अगर आप लोग का टाइम है तो आप लोग आ जाइए, आप पूरे टीम के साथ में आ जाइए, कोई भी बात हो तो उसको रखिए, ठीक है। और वो हमको वेलकम कर रहे थे। मैं बोल रहा कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन मेरा अपना वहाँ पर मीटिंग है, उसके बाद ही मैं आऊँगा। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप लोग आते तो उनको खुले मन से अपने बात को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जब मेरे को फ़ोन में ये बताया, उनका एक टीम बताया कि हम लोग महादलित परिसंघ का यहाँ पे कोई गठन नहीं करना चाहते, महादलित परिसंघ को हम लोग कोई टीम नहीं बनाना चाहते। अच्छा, तो फिर मेरा कोई मकसद ही नहीं रहता वहाँ पे जाके उनके साथ में बैठने का। जी जी जी। हाँ, अगर आप महादलित संघ के संगठन में साथ में जुड़ते हैं तो मैं आपके पास में जाके आपको समझा सकता था और आपसे बात करता सकता था और आपके विषय को सुन सकता था, लेकिन आप जब मेरे संगठन में जुड़ ही नहीं रहे और मेरे संगठन से कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मेरे को आपके पास में तो जाना कोई अधिकारी नहीं बनता है जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये एक विवाद वहाँ से खड़ा हुआ कि अगर वो लोग महादलित परिसंघ से जुड़ना नहीं चाह रहे तो आप बात करने का कोई औचित्य या मतलब ही नहीं रहता। तो म यहाँलाई बताउन चाहन्छु है, हाम्रा जति पनि हाम्रा शिवराव जी हुनुहुन्छ र उहाँका सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको विवादमा हामीले कहिले पनि पर्नु हुँदैन। यदि तपाईँको पनि समाजलाई केही भलो गर्छु भनेर नै अघि आउनु भएको, यसले गर्दाखेरि तपाईँ पनि आउनुहोस्, उहाँहरूको दरवाजा खुल्ला छ। र अघि मैले भनिहालेँ शङ्कर रावजीले त्यस समय पनि भन्नुभएको थियो, साथमा हाम्रा सञ्जय राउत उत्तर बङ्गालका प्रभारी महोदयले पनि भन्नुभएको थियो कि यो हामीले हाम्रो समाजको विकासको लागि खोलेको हो, बबन राउतजीको नेतृत्वमा र सबै मिलेर नै काम गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेसम्म 70-75 वर्षको यो जुन चाहिँ भारत स्वाधीन भएकोपछि यता महादलितका परिवारलाई धेरै प्रकारको असुविधा भइरहेको छ, र अब त्यो असुविधाहरू जुन चाहिँ सहुलियतहरू जुन सरकार पक्षबाट केन्द्र सरकार राज्य सरकारबाट पाउने गर्छ त्यो अहिले यी वर्गका मानिसहरूले नपरेको हुँदा नै यो दलित महादलित परिसंघको गठन भएको, र यही उद्देश्य राखेर कि हाम्रो साना भाइ बहिनी हाम्रो आउने भविष्यको लागि पनि केही गरौँ भनेर, यसले गर्दाखेरि यस विवादमा अवश्य नपर्नुहोस् र विवादलाई साम्य बनाउनुहोस्, आउनुहोस्, अघि बढ्नुहोस्, हात मिलाउनुहोस् र तपाईँहरूको समाजको भलाइको निम्ति तपाईँहरू अघि आएर काम गरौँ भनेर भन्नुभएको म जहाँसम्म यो मैले बुझ्न सकेँ। तो सुभाषजी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हम लोग जितने भी बार बात कर रहे थे कि महादलित परिसंघ का जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स है और उद्देश्य है कि किस उद्देश्य के तहत इसका गठन हुआ है और 24 राज्य में ये अभी आप लोगों का महापरिसंघ का दलित महापरिसंघ का अभी गठन हुआ है और काम भी चल रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोग तहत कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ये निस्वार्थ भाव रहना चाहिए, कोई अगर कोई प्रश्न उठा रहे तो उसमें मत देखिए, उसको भी आप आगे बढ़े, आप खुद आगे बढ़े कि उनको भी साथ मिले और आपका ये संघर्ष जो है अभी न्याय दिलाने का और जो एक मकसद उठा हुआ है आपका मकसद के तहत आगे बढ़े उस मकसद में कामयाब हो। और आपको आज जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, चाहे हम लोग का टीवी मेन लाइन टीवी के मार्फत हो, चाहे फेसबुक मार्फत हो, चाहे सोशल मीडिया मार्फत हो, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? पहले तो मैं महादलित परिसंघ अध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि महादलित परिसंघ एक राष्ट्र संगठन है, इसमें सब व्यक्ति जुड़ सकते हैं और खरसियांग नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ, सभी पूरे भारत के जितने भी हमारे समाज के हैं वो सभी जुड़ के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संगठन किसी एक जाति के लिए बनी है या किसी एक व्यक्ति के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। ये संगठन में हर तरह के व्यक्ति आप पाइएगा और इस संगठन में मैं बता दूं कि हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने जीवन का पूरा कार्य इसमें लगा दिए हैं और इसको सुधारने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जी मेहनत तोड़ काम कर रहे हैं। और हम लोग भी दार्जिलिंग जिला की तरफ से हम लोग अपने आप को इस कार्य पे लगे हुए हैं कि अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और समाज के प्रति कैसे काम किया जाए। मेरे समाज में जो भी व्यक्ति सोचते हैं कि हमें नहीं बोला जा रहा है या हमें नहीं बुलाया जा रहा है, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा कि अपने महादलित परिसंघ की तरफ से कि आप आए, अपने निष्ठा को और अपने गर्व से आप महादलित परिसंघ में जुड़े और उनके साथ में मिल के काम करें, क्योंकि
क्योंकि आप अगर काम करेंगे, अपने समाज के प्रति काम करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। जी सुभाष जी, मेरा एक प्रश्न छूट गया। अगर कोई भी इस परिसंघ में जुड़ना चाह रहे हैं, हाँ, और यह खरसांग ब्रांच के तहत ही जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनको जुड़ने का वो प्रति क्या है, प्रक्रिया क्या है, रूल्स क्या है, उसको कैसे जुड़ सकता है इस परिसंघ में? वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जी, कांटेक्ट करके वो मेरे साथ में बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। उनका उनका मतलब जो जैसा एरिया है, जैसे मान लीजिए कि आप एक बस्ती में रहते हैं तो वहाँ पे क्या संख्या है और आप कितने समाज के लिए प्रति हैं, इसको मैं जानने बिना मैं उनको कोई भी नहीं दे सकता। आप जिला प्रभारी हैं, तो खरसांग जैसे शिवराव जी शायद जुड़ने जा रहे हैं अभी, तो उनका जितना भी परिवार लोग है या मतलब सदस्य लोग है शायद सदस्यता लेना चाह रहे हैं, तो उनसे पहले किससे मुलाकात करना है, कैसे करना है? हाँ, अगर देखिए अगर खरसांग की बात है तो खरसांग में अभी हमने महादलित परिसंघ की तरफ से अध्यक्ष भी किए हुए हैं भोला जी को, और महिला सेल से सोनी जी को जी। ठीक है, आप इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं और इनके से अपना विचारों को रख सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं कि आप जुड़ना चाहते हैं, किस कारण से जुड़ना चाहते हैं, अपने समाज के प्रति क्या काम करना चाहते हैं, तो आप उनसे जुड़ के आप बात करिए। अगर कोई भी अगर उनसे अगर आपको आश्वासन ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शक मानव, यसरी अहिले हामी यसरी बातचित गरेका थियौँ महादलित परिसङ्घका राष्ट्रिय कोर कमिटीका अध्यक्ष, कोर कमिटीका सदस्य अनि दार्जिलिङ जिल्ला प्रभारी सुभाष हेलाजीसँग। र जुन चाहिँ विवादको कुरो पनि उठेको थियो त्यो विषयमा पनि हामीले सामान्य रूपमा भए तापनि तपाईँहरूसँग यो छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र सुभाष हेलाजीले भन्नुभयो जो पनि व्यक्ति विशेषहरूको प्रश्न रहेको छ त्यो उहाँलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ पनि सदस्यता महादलित परिसङ्घको सदस्यता ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले वर्तमान समयमा पूर्णाङ्क कमिटी अनि कम्प्लिट एउटा कमिटी बनिएको छैन, र यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूकोमा अहिले पनि धेरै मौका रहेको छ। यदि तपाईँले तपाईँको जातिको तपाईँको यो एउटा निस्वार्थ भावना लिएर अघि आउनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। खरसाङको खरसाङले गर्नुहुन्छ, दार्जिलिङको दार्जिलिङ र अन्य अन्य जग्गामा पनि, र खरसाङमा अहिलेलाई वर्तमान समयमा खरसाङको प्रभारीको रूपमा चाहिँ भोला राउतज्यूलाई प्रेसिडेन्ट छानेको छ भने, त्यसै नै नारी प्रकोष्ठाको रूपमा सोनी राउतज्यूलाई पनि यो भार दिएको रहेछ भनेर सुभाष हेलाजीले बताउनु भयो। र म जति पनि यस सम्बन्धित यस जातिसँग सम्बन्धित महादलित परिसङ्घसँग जुड्न चाहने व्यक्तिहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एक भएर अघि आउनुहोस्। किनभने हामीले पहिला सानोमा एउटा कथा सुनेको थियो, एउटा लट्ठीलाई त जसले पनि सजिलैसँग भाँच्न सक्छ, तर एउटा मुष्ट जब हामीले लट्ठी हुन्छौँ तब त्यसलाई भाँच्नु धेरै गाह्रो पर्छ। यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, तपाईँहरू मिल्नुहोस् र तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य राखेर यो महादलित परिसङ्घको गठन भएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्ति होस्। र एउटा स्लोगन सालै मलाई मन परेको स्लोगन रहेको छ, झाडु छोडो कलम पक्रो। यही कलमले नै तपाईँहरूलाई भविष्यको निम्ति न्याय दिनेछ र आउने भविष्यको लागि तयार गर्नेछ। यति भन्दै म आजका सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट साथमा सुभाष हेलाजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको अत्यन्त व्यस्त समयमा उहाँले हामीलाई केही क्षण दिनुभयो। यसको निम्ति यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजलाई पनि यस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार। तर हेर्न नभुल्नुहोला नमस्ते खरसाङ च्यानललाई। Namaste Kharsang.